पे दुनिया कायम है और हम लोग हमेशा ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ बनाते हैं और हमको ऊपर वाले का शुक्र है कि मोर देन एक्सपेक्टेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल फिल्मिस्तान के भी अगर मैं और शारिब साथ में ही थे उस फिल्म में, बहुत सारे लोगों ने यही बोला था कि यार हम सिनेमा हॉल में ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे लेकिन हम 100% सेटिस्फेक्शन के साथ बाहर आए। तो इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि लोग भले ही किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं लेकिन वो पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ बाहर आएंगे। मुझे इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जबकि इनाम मुझे इस फिल्म के लिए रात को 2 बजे मिला था। सबसे पहले इन्होंने मुझे इस कहानी के बारे में बताया और मैंने सुनते ही, जब पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी पर सिर्फ कहानी सुनकर मुझे, मैं इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था कि मैंने उसी वक्त हाँ कर दी थी रात के दो बजे। तो मेरे लिए, मैं मुझे बहुत उम्मीद है इससे और आगे जो भी हो, मैं मतलब वैसे ही बहुत खुश हूँ कि इस फिल्म का मैं अदना सा हिस्सा हूँ। सबसे पहला सवाल ये, सबसे पहली चीज़ आई थी आई एम डूइंग इट। मैं क्योंकि बहुत कम फिल्में करता हूँ, बहुत सेलेक्टिव फिल्में करता हूँ और मेरी पहली शर्त होती है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी होती है। बहुत सारी फिल्में मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सामने वाला स्क्रिप्ट देता ही नहीं। उसमें भी मैंने पता किया, पता लगा मुझे कि बहुत सारे के पास होती भी नहीं, स्क्रिप्ट नहीं होती और फिल्म बनाना शुरू कर देता है। तो मेरा ये, मेरे लिए खुद का रूल मैंने रूल बनाया हुआ है कि जब तक पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ लूँ तब तक मैं हाँ नहीं करता, भले उसके लिए मेरी दूसरी फिल्म आने में 2 साल का गैप हो जाए, 4 साल का गैप हो जाए। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं डर और इनसिक्योरिटी जैसी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गया। तो मेरे लिए स्क्रिप्ट ही गीता है, स्क्रिप्ट ही बाइबल है, वही कुरान है, वही सब कुछ है। तो वो अच्छी होती है तो मैं हाँ करता हूँ और वो अच्छी नहीं होती तो मैं बहुत पोलाइटली हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ और झूठ बोल के नहीं कहता, मैं सामने वाले को कहता हूँ कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है। जी सर, मेरे से एज अ ह्यूमन बींग सवाल पूछें, एज अ रिलीजियस पर्सन ना पूछें। मैं एक इंसान हूँ, मैं दुनिया में इंसान आया था और मैं इस दुनिया से इंसान जाऊँगा, बाकी सब खेल है और मैं खेल का हिस्सा नहीं होना चाहता। नहीं नहीं, मैं एज अ मुस्लिम, हमने ये चीज़ कभी मतलब वो सोचा ही नहीं कि मैं मुस्लिम के तौर पर काम कर रहा हूँ या मैं हिंदू के तौर पर काम कर रहा हूँ, वो चीज़ कभी जहन में आई नहीं। और ख़ासकर हम जिस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पर तो ये तासुब बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो मतलब वही एज ए ह्यूमन बीइंग हम एज ए ह्यूमन बीइंग और वी मेड अ ह्यूमैनिटेरियन फिल्म, तो हम उसी इंसानियत के लेवल पे बात करें तो अच्छा है मुझे लगता है। क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि इतने पैसे में हम एक नाच गाने वाली बेसलेस फिल्म बना लेते और बहुत सारे पैसे कमा के चले जाते। हम कोशिश करते हैं कि वैसी फिल्में बनाएं, वैसी फिल्मों का हिस्सा बने जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हो और हमें कुछ दे सके। क्योंकि मुझे लगता है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सिनेमा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिनेमा बहुत पावरफुल वेपन हो सकता है किसी भी कंट्री की डेस्टिनी को चेंज करने में। इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत सारे कंट्रीज़ की डेस्टिनी कई बार सिनेमा ने बदली है, कई बार दूसरे मीडियम ने बदली है। तो एक पावरफुल मीडियम है, तो अगर पावरफुल मीडियम है तो उसकी पावर का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। उतने ही पैसे एक ख़राब फिल्म बनाने में लगते हैं, उतने ही पैसे एक अच्छी फिल्म बनाने में लगते हैं। सो हम लोग ऐसा सोचें कि, हालांकि ख़राब फिल्म सोच के कोई नहीं बनाता लेकिन इतना तो डिसीज़न होता है कि मुझे क्या बनाना है। तो मतलब हम लोगों ने जो बनाना था वो हमने बनाया, अब रिलीज़ होगा, देखिए, दुआएं कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ प्रमोशन का बजट नहीं है। आप ही के भरोसे हैं, आपके सहारे हैं, आप इस बात को फैलाइए। 31 मई को फिल्म देखिए, अच्छी लगी तो आपकी, ख़राब हुई तो हमारी। जी, आप दोनों की जोड़ी हमने पाकिस्तान में देखी थी, बहुत ही लोगों को पसंद आई थी फिल्म, क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी फिल्म को। इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का और कैसी केमिस्ट्री आप लोगों? सारी बोलो। इस फिल्म में हम, ये फिल्म मेरा जो मैंने रात को 2 बजे जो हाँ किया था, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फिल्मिस्तान में जो हमने किया ये उसके बिल्कुल मतलब पोल्स अपार्ट है, अलग एकदम, बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं, मेरा भी, इनका भी। और जो केमिस्ट्री की बात है वो तो हमारी फिल्मिस्तान के दौरान बन गई थी, इस फिल्म के दौरान वो और पुख्ता हो गई। हमने हमेशा पैकअप के बाद रोज़ रात को हमारा 1 घंटे का वॉक होता था। जी, शारिब और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं इनसे फिल्मिस्तान से 15 दिन पहले मिला था, शूटिंग से 15 दिन पहले, और उस जर्नी में बहुत अच्छे दोस्त बन गए और साथ काम करते हैं, तो मेरे लिए कोई एक्टर से ज़्यादा दोस्त हैं और वी इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में हम लोगों को साथ में ऑफ़र हुई फिल्मिस्तान के बाद, लेकिन वही कि हमको स्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग इनकैश करना चाहते हैं, सेम जैसी चीज़, तो हम लोग ना करते रहे। फाइनली ये एक स्क्रिप्ट थी जो उससे एकदम अलग लेवल की, इसलिए हाँ की और साथ में काम किया। जिस तरह के टॉपिक पर फिल्म बनी है, आपको लगता है कि इट विल
hits them right. सर मैंने जैसा अपने स्पीच में भी कहा कि हमारा काम है सवाल उठाना, जवाब ढूंढना आपका काम है, क्योंकि सब कुछ एक ही आदमी के कंधों पर डालना ठीक नहीं है। तो सवाल उठा रहे हैं, यही बड़ी बात है, नहीं तो हम गाने भी गा सकते थे। तो हमने सवाल उठाया, आप जवाब ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। और डायरेक्टर भी हूँ, एक प्रोड्यूसर भी हूँ इस फिल्म में उसकी हैसियत से हूँ। देखिए बहुत अलग तरह की फिल्म है, बनारस में सेट है ये फिल्म, और आज के ज़माने की फिल्म है, सोशल ड्रामा है, बहुत सोशल ड्रामा है जिसमें थोड़ी पॉलिटिक्स भी है। आज के ज़माने में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसको ये फिल्म दर्शाती है, अच्छे से दिखाती है। और जैसा आपने देखा ट्रेलर इसका, इसमें इनामुल हक और शारिब हाशमी की जोड़ी है, बहुत मशहूर अच्छे एक्टर्स हैं, अपने किरदार को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, उनके साथ काम करके मज़ा आया। और मुझे ये लगता है कि फिल्म को दर्शकों को कोई इसलिए देखनी चाहिए कि बहुत अलग फिल्म है, ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, ये आपको सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाने वाली है कि वाकई अगर हम एकता की बात करते हैं, वो एकता क्या है, हमने क्या खोया पिछले कुछ समय में, वो इस फिल्म के जरिए आपको देखने को मिला। नहीं देखिए, बहुत आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हिंदू को कम दिखाया, मुस्लिम को ज़्यादा दिखाया। देखिए सर क्या होता है, ट्रेलर में आप चीज़ों को प्ले करते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ आखिरी ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के ट्रेलर के एक आखिरी डायलॉग है जिसमें जो नक्काश है, जो मुस्लिम कारीगर है, जो एक हिंदू के मंदिर में जाके हिंदू मंदिर में काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप इस बात को बिल्कुल मैं डिनाई करता हूँ सिरे से कि हिंदू को नीचे, अगर वो नीचे दिखाएगा तो वो कैसे काम करेगा जाके। एक मुस्लिम अपने धर्म पे रहते हुए, एक टोपी लगाते हुए, चूँकि वो कर्म को पूजा मानता है, वो कर्म को बड़ा मानता है, वो मानता है कि जितनी मुझे अपने मजहब की इज्जत करनी चाहिए उतनी ही दूसरे मजहब की इज्जत करनी चाहिए, वो इस बात को समझते हुए एक मंदिर में जाके वो पूजा करता है, वो भगवान को ये कहता है कि उसका जब बच्चा पूछता है कि भगवान कौन है तो वो कहता है अल्लाह मियां का भाई। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब यहीं पे है कि कोई नीचा हो ही नहीं सकता, कोई नीचा और ऊपर दिखाने की बात नहीं है। एक सिनेमा में अपनी तरह से कहानी कही गई है, उस किरदार के जरिए जो बातें निकल के आई। जी कहानी के अलावा उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे डिसाइड किया है शारिब और इनाम होंगे। पहले जब से मैंने ये फिल्म की कहानी लिखी थी, मुझे एक दो जोड़ी चाहिए थी बहुत अलग तरह से, जो ये किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा सके, जिनके लिए जो जस्टिस कर सके। तो ये दोनों मेरे जहन में थे क्योंकि मैंने इनकी कुछ पुरानी फिल्में भी देखी थी, तो इसलिए शुरू से मैं इनके पीछे था कि मुझे इनके साथ काम करना है। और फाइनली मैंने इनाम को स्क्रिप्ट सुनाई सबसे पहले, तो शारिब भाई को सुनाई, दोनों तैयार हो गए, मेहनत लगी, हमने वर्कशॉप की कई सारी, हम बनारस गए, लोकेशन रेखी की, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया, इनको भी ले गए वहाँ पे, यूज़ टू किया काफ़ी, और इस तरह से नक्काश जो है बन के तैयार हो। जिस तरह के सवाल अंदर पूछे जा रहे थे, फिल्म ड्यूरिंग मेकिंग द फिल्म क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? नहीं नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ, बनारस मेरा अपना शहर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, सबको पता है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको पता है कि चीज़ें जो हैं, हर मज़हब में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं मोस्टली, लेकिन हम हर इंसान की ये ज़रूरत है, हर इंसान की और मीडिया की, सबकी ज़रूरत है कि जो बुराइयां हैं उसको सामने लेके आएँ और जो अच्छाइयां हैं उसको भी सामने लेके आएँ, दोनों चीज़ें लेके आएँ। तो ऐसा कोई तकलीफ जैसी मेरे लिए कभी कोई बात नहीं थी कि बनारस से मुझे कोई दिक्कत हुई हो, कोई ये कहे कि ऐसे क्यों शूटिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों, नहीं, सब लोग सपोर्टिव थे, सबको पता था कि एक पॉजिटिव फिल्म है, पॉजिटिव तरीके से दिखाई जा रही है। मैंने कहा कि थोड़ी चीज़ें जो आपको लग रही हैं वो इसलिए लग रही है कि एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है, तो पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ कुछ चीज़ें प्रभावित हुई हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिली, चैलेंजेस किसी तरह के नहीं। नहीं नहीं, मोदी से नहीं, योगी जी से जोड़ा जा रहा है ये पॉलिटिक्स। हाँ पॉलिटिक्स, नहीं देखिए पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स मैंने कहा कि एक कैरेक्टर है उसमें पॉलिटिशियन का, वो उसका किरदार है उस तरह का, बाकी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है इस फिल्म का, और बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है, जो प्योर फिल्म जिसको बोलते हैं ना, इसका कोई मकसद है पॉलिटिकल गेन, ना इसका कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना है, तो मुझे यही कहना है सर। क्या सर, मैंने आपसे कहा कि ट्रेलर के लास्ट में जब ये डायलॉग निकल के आता है सामने, बच्चे जब बच्चा जब बोलता है वो डायलॉग निकल के आता है कि अल्लाह कौन है, भगवान कौन है, वो कहता है अल्लाह मियाँ के भाई, तो मुझे लगता है यहीं से बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, और बहुत सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेगा। बैलेंस तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बैलेंस फिल्म ही नहीं हो सकती, सेंसर बोर्ड ने एक बार में हमको पास कर दिया फिल्म। देखिए सर, मैं पहले भी दो फिल्में बना चुका हूँ, दो फिल्में पहले भी बना चुका हूँ, दोनों फिल्में हार्श थी। पिछली फिल्म मेरी मदरसा कल्चर के खिलाफ थी कि कैसे उसमें एक बच्चा होता है, उसको किस तरीके से मदरसे से निकल के डॉक्टर बनना होता है, उसकी क्या जर्नी होती है, ये उसकी कहानी थी। तो मुझे नहीं लगता कंट्रोवर्सी से, आप एक साफ नीयत से, साफ दिल से जब सिनेमा बनाते हैं तो आपको कोई डर नहीं लगता।
मुझे ऐसा कोई डर नहीं है बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी, और ना मैंने की है ना मैं चाहूँगा। कुछ लोग अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं, उनका उनका हक है, वो कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परीक्षा दौरान बनाने के दौरान कोई इशू आया था जैसे पॉलिटिकल इशू हिंदू और मुस्लिम को लेकर? नहीं नहीं, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं आया था। बनारस मेरा शहर है, वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, सब लोग जानते हैं, तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं आती जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बोले, हमने तो बनाई है, अब दर्शकों के सामने रखा है और दर्शकों को कैसी पसंद आती है, कैसा लगता है, उम्मीद है पसंद आएगी। देखिए, मैं और जैगम हम लोग फ्रेंड भी हैं और पार्टनर भी हैं, ये हमारी तीसरी फिल्म है। हम लोग मोस्टली क्या होता है, फिल्म वो चुनते हैं, आती नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं उस बारे में कि जो भी समाज को जो थोड़ा सा भी जगा सके, कुछ अच्छा मैसेज दे सके, हम वैसी फिल्म बनाते हैं और हमको फिल्म को फिल्म की तरह रखते हैं, हमारी नीयत साफ़ रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी जो तीनों फिल्मों में है, उसमें ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे पहले आती है। मोस्टली ऐसा लोगों को लगता है और होता भी है, ऐसी बात नहीं, पर यही है जब आप फिल्म देखेंगे, और ऐसा नहीं है अभी बीच बीच में चीज़ें आएंगी, अभी तो आपने खाली ट्रेलर पहले देखा है, बहुत सी चीज़ें आएंगी, इसमें पूरा बैलेंस है, इस चीज़ का मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पूरी बैलेंस है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गलत कोई भी हो सकता है, कोई मतलब दूध का धुला नहीं है, बुरे हर समाज में हैं, हर जगह हैं, हर प्रोफेशन में है, हर जगह उनको पॉइंट करते हैं, अगर वो गलत होंगे उनको बहुत पॉइंट्स करेगा, जो सही होंगे उनके लिए वेलकम रहेगी। थैंक यू।